आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। अपने नए थाने का पदभार ग्रहण करने पहुंचे दुरसड़ा थाना प्रभारी राजेश रातनकर ने ग्राम इमलिया विकर के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में लगाई पाठशाला, जहां छात्र छात्राओं को दी कानून की जानकारी। श्री सातनकर जी ने छात्राओं को गुड टच, बैड टच, महिला अपराध और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 एवं डायल 100 की जानकारी दी। थाना दुरसड़ा प्रभारी ने वस्वाय और वीकर संकुल में भी लगाई पाठशाला। वहीं थाना प्रभारी ने छात्राओं को दिया अपना नंबर और बताया कि अगर किसी को भी कोई भी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत अवगत कराएं। छात्राएं निर्भीक एवं निडर रहकर अच्छे से पढ़ाई करें और जिले का नाम रोशन करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज 14 नवंबर के दिन नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो इस मौके पर थाना प्रभारी राजेश सातनकर के द्वारा स्कूल के बच्चों को टॉफियां और बिस्किट वितरित किए गए। सबसे पहले तो मैं अपने नए थाने की जनता और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं, जो मुझे इस नए थाने पर काम करने का मौका दिया है। और मैं अपना पुराने जो कार्यशैली है, जो मैंने 2-3 थानों में और अपना काम किया है, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। जनता कि जो भी परेशानियां हैं, तकलीफ है, उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और कानून के दायरे में रहते हुए पूरा करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि अपराधियों में पुलिस का भय रहे और आम जनता बिल्कुल सुकून महसूस करे और भयमुक्त रहे, अपना जीवन बहुत शांति से यापन करे। ये ग्रामीण थाना है, इसमें कम से कम 48 गाँव हैं, काफ़ी लंबा क्षेत्र है और रोड भी कम से कम 18 से 20 किलोमीटर का है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि लगातार गश्त। दतिया से नवल यादव की रिपोर्ट।